ठीक है, तो फिर अगर बैन कर दिया उन्होंने तो अपना हक भी जमा लेना उन्होंने, ठीक है। जब हक जमा लिया, आर्डर फिर ऊपर से होने हैं, जब ऊपर से आर्डर होने हैं तो फिर कोई बंदा कर नहीं सकता। यानी आपको ये लग रहा है कि अनकरीब गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे हाथ से जाने वाला है? मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक चीज़ को ठान लिया तो फिर करके दिखाते हैं वो। और के लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, अकाउंट है वो बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लगे। सर ये आपने अगर न्यूज देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध में एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली है और बिल्कुल ये जीत कश्मीर से ही जुड़ी हुई है। इस जीत को सुनने के बाद पाकिस्तानी लोगों की होश उड़ चुके हैं और अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए ये जो आप बात करें हैं एलन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो बड़ा जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट, क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है और इंडिया के न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है। अब दरअसल हाल ही में यह समाचार निकल कर आया है और जिसके अनुसार हमें सुनने में ये मिला है कि ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइटेड कश्मीर यानी कि POK के बहुत से पार्ट को भारत में दिखाना शुरू कर दिया है। ट्विटर का यहाँ पर कहना है कि जो हिस्सा हम कश्मीर में दिखा रहे हैं वो दरअसल भारत का ही है, पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से उसे ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की सरकार, वहां की मीडिया, वहां के लोग ट्विटर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एलन मस्क को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि एलन मस्क जैसे जो विदेशी लोग हैं उनको भारत के प्रति इतना आकर्षण क्यों होने लगा है। तो देखो इसका कारण ये भी है कि हाल ही में अमेरिका की कुछ रिसर्च एजेंसियों ने ये भी बताया है कि जब भविष्य में पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो माइनस में जाएगी तब भारत की पॉपुलेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। जो भारत की जनसंख्या आज 1.4 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है वो आने वाले भविष्य 1.6 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ अमेरिका की ही कुछ रिसर्च एजेंसी और कुछ बैंकों ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका को भी अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे कर देगा और तब तक भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 50 ट्रिलियन होगी। तो सोचो कि अगर एलन मस्क जैसे लोग भारत की जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं और उनको भारत का संपूर्ण एक्सेस मिल जाता है तो वो भारत से कितना पैसा नहीं कमा पाएंगे। हालांकि जो ट्विटर के पुराने मालिक थे जैक डॉर्सी वो हमेशा से ही भारत विरोधी काम करते थे और ट्विटर पर भारत का गलत मैप डालते थे। इतना ही नहीं, जैक डॉर्सी के और कांग्रेस के बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। जैक डॉर्सी और राहुल गांधी तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए जब ये ट्विटर के मालिक थे तो ये भारत में खुलेआम कुछ भी गैरकानूनी काम करते रहते थे और अगर भारत सरकार इनको बैन करने की बात करती थी तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगती थी और कहती थी कि ट्विटर जैसे ऐपों को यहां से बैन किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। खबर और आई थी और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लग गए। सर ये आपने अगर न्यूज देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जी देखिए बात ये है कि वो ये भी सोशल मीडिया का चक्कर है ना। अब ग्राउंड रियलिटीज क्या है, दोनों देशों की सरकारें अपने नैरेटिव क्या देती हैं वो अपनी जगह एक बात है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको दोनों देशों के की लीडरशिप क्यों टच नहीं करना चाहती, जाहिर वो एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं तो वो अपनी जगह पे है। और सोशल मीडिया की आपने बात की उस रेफरेंस में, तो देखिए आप इंटरनेट के इस बहुत ही फास्ट पे ज़माने में आप कुछ भी कर लें तो कोई कुछ करने से तो रहा। अब IT कंपनीज बैठी हुई हैं दुनिया भर में और आपके सामने इमरान खान ने जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है वो अब ज़रा कम हुई है, लेकिन वो भी बस ये कीबोर्ड्स का ही खेल है। तो अब इस कीबोर्ड्स के खेल में कौन की प्लेयर्स हैं
अब ये बहस बन गई है ना कि इंडिया की हुकूमत उनको उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है, वहाँ नाराबाजियाँ नहीं होती है, वहाँ पे अमन अमान भी है, वहाँ एजुकेशन भी है, वहाँ हेल्थ भी ठीक होगी। हाँ अलबत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप लद्दाख वाली साइड पे देखना, श्रीनगर विजिट कर लें, गूगल कर लें, गूगल मैप कर लें, या फिर आप सर्च करेंगे वहाँ पर आप G20 की मीटिंग रखवाई गई, वहाँ पर आप देखेंगे दुनिया का सबसे टॉपस आपको सिनेमा हॉल मिलेगा, वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज टॉप की दुनिया की 10 यूनिवर्सिटीज का शुमार श्रीनगर की 2 यूनिवर्सिटीज के साथ होता है, जहाँ पर आप टेक के बारे में पढ़ सकते हैं, दुनिया की किसी भी फील्ड की आप वहाँ पर डिग्री हासिल कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चले गिलगित के अंदर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्या बल्तिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद है कि बंदा पढ़ सके वहाँ पर? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान पिछले 6-7 नहीं तो की नहीं होगी, या फिर पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं ट्विटर को, के कश्मीर का जो नाम है वो कश्मीर से हटा करके या कश्मीर की लोकेशन हटा करके गुजरात में रख देंगे या फिर किसी और चीज में रख देंगे, ऐसा तो बिल्कुल हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है, कि जिस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो घूमती रहती हैं ये कह के कि आप इस वेबसाइट में जुड़ो, जब लोग इस वेबसाइट में जुड़ते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, कि मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा, कोई भी चीजें जो है ऐसी उल्टी सीधी तो कर नहीं सकता, और मुझे लगता है ट्विटर तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के हर कोने में यूज होता है और जिसकी हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मायने रखती है, तो फिर इसका यही आम से शब्दों में मतलब है कि जो हुआ होगा वो अच्छे के लिए हुआ होगा और भले के लिए अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ होगा, दैट्स इट, और तो मेरा इसमें कोई ज्यादा ठीक है। उरफाना जी, अगर बड़ा ओपिनियन नहीं है, मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पे लोगों का एक शिकवा ये नजर आया पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पंजाब से ये शिकवा नजर आया कि हमारी बिजली पंजाब ले रहा है, हमारी लकड़ी पंजाब ले रहा है, और भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कश्मीर से पंजाब की तरफ जाते दिखते हैं। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं कश्मीर में, आप बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, क्या समझती हैं जो इंडिया साइड कश्मीर है वहां के रिसोर्सेज कश्मीर में लग रहे हैं, या वो भी दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? देखिए, मैं बात करूंगी कश्मीर की, तो कश्मीर तो एक खुद मतलब जो है ना पूरा रिसोर्स से भरा पड़ा है। कश्मीर में एक रिसोर्स नहीं है हमारे पास, कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, और पहला जो रिसोर्स है वो है बिजली का, यानी कि जो वाटर के थ्रू जो बिजली बनती है वो ऑल ओवर इंडिया कश्मीर से भेजी जाती है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो भी हमारे नेबरी स्टेट्स हैं, तो कश्मीर से जो बिजली है वहां पर भेजी जाती है, और वो क्या है, वो तरक्की है। हालांकि इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।